डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। आगे लिखिए इन आवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ देयर आर मैनी इंफॉर्मेशंस। रिपीट कर दीजिए। देयर आर मैनी, हाँ एक बार फिर से रिपीट इन आवर डे टू, इन आवर डे टू डे लाइफ मतलब रोज दिनचर्या में देयर आर मैनी इंफॉर्मेशंस, देयर आर मैनी इंफॉर्मेशंस एंड दीज इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज, दीज इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज डेटा। दीज रिपीट कर दीजिए। कहाँ से बेटा? सर सर इन आवर डे टू डे लाइफ से। इन आवर डे टू डे लाइफ देयर आर, इन आवर डे टू डे लाइफ देयर आर मैनी इंफॉर्मेशन, देयर आर मैनी इंफॉर्मेशन, दीज इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज, दीज इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज डेटा। हो गया? यस सर। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। द नंबर देखो बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है साउंड की, तो आप अपने कमरे में ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पे आवाजें क्लियर आ रहे पहुंचे। आज थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो नेटवर्क भी कुछ डिस्टर्ब ही चल रहा है। ठीक है, लिखे द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन एनी एग्जामिनेशन, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, इन मैथमेटिक्स। यस सर। ऑफ योर सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑफ योर क्लास, मैथ में आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनके नंबर। हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई। अगर इस इंफॉर्मेशन से कोई रिजल्ट लेना हो, जैसे ये हम जान कि जो मैथमेटिक्स के नंबर हुए हैं उसमें से कितने बच्चे हैं, कितने डिवीज़न आए हैं, कितने बच्चे थर्ड डिवीज़न आए हैं और कितने बच्चे हो गए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन लेना हुआ मतलब उस डेटा से लेना हुआ, और इस डेटा को हम लोग ग्राफिकली भी शो करते हैं इंफॉर्मेशन, नई नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आगे लिखिए समटाइम्स, समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरे पास तक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी यस आवाज सर। नहीं आ रही है? कहीं तो मेरी आवाज जा रही है ना, इसका मतलब यहाँ तो कनेक्शन सही है आप लोगों पास। इसलिए कोई ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ पर कनेक्शन सही हो। तो डेटा के बारे में बता रहे थे, डेटा इज द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हो। जैसे आपके क्लास में मैथमेटिक्स के नंबर जो हैं वो एक इंफॉर्मेशन है। स्कूल वाले अगर जानना चाहेंगे कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न हैं, कितने सेकंड डिवीज़न हैं, कितने थर्ड डिवीज़न हैं, कितने फेल हैं, तो वो इंफॉर्मेशन लेंगे। और इंफॉर्मेशन लेने के लिए कभी कभी ग्राफ भी बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला ग्राफ जो है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, वो है पिक्टोग्राफ। ए पिक्टोग्राफ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, मिल गया? हेलो। यस अच्छा, सर पिक्टोग्राफ क्या होता है? एनसीईआरटी का पहला पेज खोलिए, चैप्टर का, मैं वही समझा रहा हूँ। पिक्टोग्राफ होता है किसी भी डेटा का पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। कोई फिगर बना दीजिए और उससे डेटा की इंफॉर्मेशन निकालिए, तो वो कहलाता है आपका पिक्टोग्राफ। मतलब पिक्टोग्राफ क्या है, इसमें कोई सिंबल बनाते हैं। देखिए फिगर में, देखिए आपको मैं आपकी किताब का ही फिगर समझाते हैं। ये एनसीईआरटी का सबको फिगर दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हाँ या ना? ये देखिए पिक्टोग्राफ है। इन्होंने किताब ध्यान दीजिए, एक कार बनाई है, उसको ये सिंबल बनाया। ये कह रहा है ये 100 कार के बराबर है। वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार। अब जुलाई महीने में देखिए, दो सिंबल हैं, आधा सिंबल है, तो दो मतलब 100 और 100, 200, और आधा मतलब 50, तो ये 250 हो गया। अगस्त महीने में तीन सिंबल बने हुए हैं, तीन सिंबल मतलब 300। अब इसे सितंबर में देखो बच्चों, एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल और चार सिंबल। चार सिंबल हैं कि पांच सिंबल हैं, बताइए वैष्णवी? चार है फोर। चार है। तो 4 × 100 कितना हुआ, 400 बोलो सर। बेटा? 400 सर। फोर फोर हंड्रेड हंड्रेड वेरी गुड। तो ये एक आपका पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, इट इज ए पिक्टोग्राफ। अब पहला सवाल ये पूछा है इन्होंने, देखिए, हाउ मैनी कार वेयर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, में कितनी कार बनाई गई? एक आंसर है, दो, तीन, नंबर ऑफ कार इज प्रोड्यूस, बताइए भाई किस महीने में सबसे ज्यादा सितंबर कार बनाए? सितंबर। कितनी सर। सितंबर कितनी बनाई गई है? 400। भाई ये तो ये पिक्टोग्राफ है। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ में हम लोग कोई पिक्चर को देखते हैं और पिक्चर से डेटा निकालते हैं। यानी कि ऐसा कहिए कि डेटा जो है वो पिक्चर फॉर्म में रहता है, सिंबल दिया जाता है और उस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। दूसरा है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ, बार मतलब होता है छड़ टाइप का। लिखिए डेफिनेशन बार ग्राफ की, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयर हाइट इज, एंड देयर हाइट इज प्रपोर्शनल टू द
एंड देयर हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए, जिन बच्चों का छूट गया है वो दोबारा लिखें। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, बार ग्राफ में लिखना है, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयर हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज एंड देयर हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। अब कोई बालिका पढ़ो इसे। ये कौन बच्ची है? श्रेया वर्मा, पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर हाँ, कुछ आवाज आई, बोलिए। यस, देखिए जैसे बोलेंगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सर बार ग्राफ का डेफिनेशन पढ़ें। हाँ, बार ग्राफ का डेफिनेशन पढ़िए। सर एक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयर हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। मानसी आप पढ़िए। इस तरह पढ़ाई होगी तो फिर क्या लिखो, आवाज नहीं आ रही है। कुछ आया नहीं सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, किसी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जितने लोग बैठे हो, 18, 19, 20। हाँ सर, यस सर, आ रही है। हाँ तो आज जिसे आ रही है वही पढ़ दो बार ग्राफ की डेफिनेशन। जाह्नवी मिश्रा, इन्फॉर्मेशन bars of uniform with their height to the respective values। फिर से दिखा रहे हैं आपको, आपकी ही एनसीईआरटी बुक का है। देखिए ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है। देखिए मेरी उंगली देखिएगा, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 7, 8। अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 70, 3, 4, 4, 5, 5, 6। ये आपको एकेडमिक ईयर दिए हुए, ये देखिए ये बार है जिसमें समय मेरे उंगलियां चल रही हैं, तो सबकी चौड़ाइयां बराबर हैं। देख लीजिए, विड्थ इज इक्वल। और इसी से जो ऊंचाइयां इंफॉर्मेशन दे रही है, देखिए ये जो 3, 4 है इसमें हमारे पास 100 बच्चे हैं, 4, 5 में हमारे पास 200 बच्चे हैं, ये 5, 6 में हमारे पास 250 बच्चे हैं, और इस तरह 6, 7 में हमारे पास 300 बच्चे हैं।
सेवन एट में हमारे पास 350 बच्चे हैं। तो ये बार ग्राफ है, इसमें आपने इंफॉर्मेशन दिया है किसी स्कूल में स्टूडेंट और नंबर ऑफ ईयर। तो ये पूछा है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ, कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या दे रहा है, बार ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट किस ईयर में कितने स्टूडेंट थे, किस ईयर में कितने एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट थे, इन विच ईयर इज द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, मतलब किस ईयर में सबसे ज्यादा थे। तो देखो सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, सेवन एट है ना, तो हमारे पास सेवन एट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे। तो इस तरह से आप सारे पार्ट के आंसर दे सकते हैं। अब अगला जो है वो है डबल बार ग्राफ, उसी एनसीईआरटी को देखिए। डबल बार ग्राफ जो है वो बार ग्राफ जितना ही है लेकिन उसमें दो इंफॉर्मेशन रहती है। सर आपकी आवाज बाउंस कर रही है, आ रही है। ऐसा है कि आप लोग जो हैं अपने जितने माइक हैं उसको ऑफ कर लें सब लोग, अगर माइक ऑन रहेंगे तो मेरी आवाज सही तरह से नहीं जाएगी। मुझे छोड़ के सब लोग अपने माइकों को ऑफ कर लें। अब देखिए आवाज जाना सही हो गई, कोलिजन होता है। देखिए अभी भी कहीं से आवाज आ रही है। अंशिका बटवा अपना माइक ऑफ करो आप। ये देखिए डबल बार ग्राफ की तरह ही होता है लेकिन दो इंफॉर्मेशन है इसमें। देखिए एक्स मैथ और साइंस, ये मैथ, ये सोशल साइंस, ये साइंस, ये इंग्लिश और हिंदी। माइक म्यूट कर लें। हाँ ये मैं कई बार कह चुका हूँ। देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास में रहे मुझे छोड़ के सबके माइक ऑफ होने चाहिए, नहीं तो कहीं कोई शोर हो रहा है, कहीं कोई शोर हो रहा है। देखिए जैसे मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर रहा हूँ तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरह से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, एक दूसरे का शोर ही समझ में आएगा। तो अब मैं आपको डबल बार ग्राफ समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए डबल बार ग्राफ में ये होता है कि दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे सिंगल बार ग्राफ में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपके बुक में, ये जो अभी एग्जाम्पल समझाया था फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए फिर बैक कैमरा करिए, ये देखिए ये ईयर दिए हुए हैं। सर आपका कैमरा नहीं आ रहा, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है मुझे बैक कैमरे से। सर ऑन है, सर ऑन है। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम है ये, मुझे तो मैं तो मोबाइल देख के पढ़ा रहा हूँ। 03 04 ये ईयर दिया है, इसमें 100 स्टूडेंट हैं। ये 04 05 है, इसमें 200 स्टूडेंट हैं। इसी तरह हर ईयर में स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये देखिए डबल बराबर ग्राफ है, ये जो शेडो है ये ईयर 6 7 एनसीईआरटी देखिए, और जो शेडो नहीं है वो 5 6 के बारे में, मतलब एकेडमिक ईयर 5 6 इज विदाउट शेडो और एकेडमिक ईयर 6 7 इज विद शेडो। तो मैथ में देखिए हमारे पास 5 6 में 30 नंबर मिले थे और 6 7 में हमें मिल गए 60 नंबर। उसी तरह सोशल साइंस में हमें नंबर 5 6 में 50 मिले थे और फिर इधर हमें इतने नंबर। इस तरह हर सब्जेक्ट में हम नंबर देख सकते हैं। ये हमारे सारे सब्जेक्ट के नंबर हैं, मैथ, सोशल साइंस। हाँ बोले सर एक बार डबल बार ग्राफ से समझा दीजिए। अच्छा डबल बार ग्राफ, देखिए डबल बार ग्राफ क्या है। डबल बार ग्राफ पहले से डेफिनेशन लिख लें तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। A bar graph
विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए बार ग्राफ विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए बार ग्राफ विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू डेटा साइमल्टेनियसली टू डेटा या टू सेट ऑफ डेटा ए बार ग्राफ विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट which is used to represent two sets of data simultaneously is known as double bar graph हेलो सर, जो आप ये लिखवा रहे हैं इसको फेयर में लिख सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, लिख लो लिख लो। दिस इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा मतलब डेटा को कंपेयर करने के लिए। अब आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 70 खोलिए, 70 नीचे वाला, उसमें आपको दिखाएंगे डबल बार ग्राफ का एग्जांपल दिया हुआ है। सबने किताब ओपन कर लिया? यस सर। चलिए, उसमें देखिए ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर, जरा ध्यान से देखिए, अपने एक्स एक्सिस पे पहले मैथ लिखा हुआ है, फिर सोशल साइंस लिखा हुआ है, फिर साइंस लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश लिखा हुआ है, फिर हिंदी लिखा हुआ है, मिला? यस सर। यस सर। और वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये मिला? यस सर। बोलिए। तो ये देखिए वाई एक्सिस पे ये मार्क ऑब्टेंड बाई ए स्टूडेंट, किस स्टूडेंट के नंबर हैं जो पा रहा है, इधर एक्स एक्सिस सब्जेक्ट हैं। अब देखिए डबल बार ग्राफ में, मैथ में एक जो बार है वो बिल्कुल ब्लैंक है, सादी है, और दूसरी पे क्या है, शेडो है, मिला शेडो वाला? यस सर। इसी तरह सोशल साइंस में भी एक ब्लैंक है, एक शेडो है, साइंस में भी एक ब्लैंक है, एक शेडो है, इंग्लिश में भी एक ब्लैंक है, शेडो है, हिंदी में भी एक ब्लैंक और शेडो है। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, और ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर की ओर ग्राफ में लिखा हुआ है, कीजिए कि अपना माइक म्यूट कर लें, सब लोग अपने माइक को तुरंत बोल के अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि घरों का भी साउंड आ जाता है। शिवांगी त्रिपाठी, आप भी बंद करिए अपना माइक। सर मेरा बंद है। कहाँ बंद है, बोल रही हूँ, मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब देखिए जो शेडो है वो लिखा हुआ है 2006-7, 6-7, और जो ब्लैंक है वो लिखा हुआ है 2005-6, 05-06। मतलब ये जो ब्लैंक वाला बार है ये 2005 और 6 में जितने नंबर हैं उनको शो करेगा, और जो शेडो वाला है वो 2006 और 7 में जितने नंबर हैं वो शो करेगा। अब जरा मैथ को समझते हैं, देखिए अपनी किताब देखते रहिएगा और ये वीडियो भी देखते रहिएगा। देखिए मैथ को समझते हैं, इसमें मैथ में ये एनालिसिस दिया हुआ है कि 05 में स्टूडेंट ने 30 नंबर पाए, और जब 067 चला तो 60 नंबर आए। तो अब बताओ कि 5-6 में ज्यादा नंबर हैं कि 6-7 में ज्यादा नंबर हैं, बताइए कोई बच्ची? 6-7 में ज्यादा नंबर, 6-7 में। आपने बस बस कीप क्वाइट एंड स्विच ऑफ योर माइक।
तो इसमें देखिए आपको कंपैरिजन मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से ये डबल बार ग्राफ होता है जिसमें हम लोग डेटा को कंपेयर करते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ डबल बार ग्राफ। और बार ग्राफ में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, ओनली सिंगल इंफॉर्मेशन इज देयर इन डबल बार ग्राफ। अगली जो हेडिंग है वो है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा हेडिंग डालिए आप लोग। और डेफिनेशन लिखिए, टू फाइंड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, टू फाइंड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। फिर से लिखें जो बच्चे धीरे लिखते हैं, टू फाइंड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वी ऑर्गेनाइज द डेटा। वी ऑर्गेनाइज द डेटा अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी, यानी इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जैसे पेज नंबर 71 में नीचे लिखा हुआ है, देखिए नीचे की लाइन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, मैं बैक कैमरे से भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ऑर्गेनाइजिंग डेटा, और इसमें ये देखिए बहुत ध्यान से लिखा हुआ है, इस तरह से मैं लाइन जो पढ़ रहा हूँ ये अपने बुक में, आर्ट मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश मैथमेटिक्स आर्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स, इस तरह से आपको डेटा लिखा हुआ मिल रहा है। यस और नो, आप बताइए सब लोग, यस और नो। तो इसमें ये है, अब इसमें क्या दिया, तमाम सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब तमाम सारे सब्जेक्ट में दे दिए हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मैं ये पूछूं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम पढ़ा जा रहा है, किस सब्जेक्ट को लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, किस सब्जेक्ट को मीडियम में पढ़ा जा रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी हुई है। देखिए डेटा तो दिया हुआ है, बुक बुक खोलिए फिर से, कहीं आर्ट साइंस मैथमेटिक्स इस सब लिखा हुआ है, डेटा तो है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैंने पूछा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, कोई जवाब नहीं। कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम पढ़ा जा रहा है, कोई जवाब नहीं। कौन सा मीडियम में पढ़ा जा रहा है, कोई जवाब नहीं। यानी नो इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम दिस डेटा, सो वी ऑर्गेनाइज द डेटा। हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगा। तब तक आप अपना पेपर जो है उसको, उसमें जो गलतियां हो गई हैं आप लोगों से उसको ढूंढिए, और जो आज पढ़ाया हुआ है उसको याद करिए, लिखिए, समझिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।